राम राम, नमस्कार सारे भाइयों को। गाड़ी है XUV 500। दिक्कत है इसमें कि गाड़ी में डीजल कम था तो 500 सेल्फ ज़्यादा लग गई, 10 लग गई, तो गाड़ी में ये दोनों लाइट ब्लिंक होने लग गई। ये फॉल्ट आप जैसे बहुत लोगों को फेस होगा कि गाड़ी चलते हुए ऐसे हो गई, आके रुकी तो कस्टमर ने स्टार्ट किया, नहीं हुई। तो मैंने जो बेसिक चीज़ें जो आप चेक करते हो वो भी मैंने चेक किया। ये मैंने इसका फ्यूज़ देखा, रिले देखा, बिल्कुल सही था। फ्यूज़ उड़े हुए थे पर वो उसके रिलेटेड नहीं थे, प्रोग्रामिंग के रिलेटेड नहीं थे, ठीक है जी। तो मैंने क्या किया, मैं अपने एक्स टूल इलाइट को भी यूज़ कर रहा हूँ। मैं महिंद्रा में गया, मैंने ECM स्कैन किया। सबसे पहले 1755 का ECM है इस गाड़ी में, तो पहले ECM स्कैन किया। ECM स्कैन हो गया, ECM में ये परमानेंट फॉल्ट आ रहे हैं, ठीक है जी। MBFM स्कैन किया, MBFM स्कैन हो गया, उसमें भी परमानेंट ये फॉल्ट आ रहे हैं जो जा नहीं रहे। तो अगर आपने काम करना हो तो दो चार आपको मैं कॉमन चीज़ें बताऊंगा आप क्या करो। सबसे पहले तो अगर आपका ये फॉल्ट परमानेंट है, तो मान के चलिए मैं ECM को स्कैन कर रहा हूँ, ये देखिए ये क्लियर होने के बावजूद भी कोड नहीं जा रहे। मैं क्लियर कर रहा हूँ, नहीं जा रहे। मैं इसके इलाइट के प्रोग्रामिंग फंक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है जी। महिंद्रा में गया, न्यू सॉफ्टवेयर, इमोबिलाइजर, ऑटो आइडेंटिफाई और चाबी की गिनती। दोबारा वापस जाके फिर जा रहा हूँ, चाबी की गिनती आ रही है, मतलब ट्रांसपोंडर रजिस्टर्ड है। आपने क्या करना है, आपने कुछ नहीं करना, सीधा आप जाकर, अगर आपका बहुत मेजर है कि पता ही है कि इमोबिलाइज हो चुकी है, तो इमोसिंग में जाइए, प्रोग्राम 1 की कीजिए। अब स्पीड देखिए अभी अपने काम करने की एक्स टूल से, ठीक है जी। ऑफ के लिए बोल रहा है, मैंने ऑफ कर दिया। ये सबसे लास्ट सॉल्यूशन है जो आपने इससे करना है, वरना कुछ गाड़ियों पे अगर आपने इमोबिलाइजर से अनइमोबिलाइज करनी है, गाड़ी लॉक लग गया है तो आपने खोलना है, तो मैं आपको एक साधारण सा सॉल्यूशन बताता हूँ आप क्या किया करो। मैंने चाबी ऑन कर रहा हूँ, देख रहा हूँ इमोसिंग करके चला गया, नहीं गया, चला गया। आप सबसे पहले क्लियर ट्रबल कोड किया करो, EMS को क्लियर कर दो, नहीं क्लियर हो रहा, एक मिनट, हो गया। और MBFM को कर दो, ये दोनों होने के बाद भी आपकी लाइट रुक सकती है, नहीं रुकी तो आप इमोसिंग कर दो, ठीक है जी। मैंने इमोसिंग किया, मेरी लाइट चली गई। मैं अभी स्कैन में चेक कर रहा हूँ कि स्कैन में ECM क्या बता रहा है। दोनों एरर चले गए, जो दो एरर आ रहे थे वो दोनों एरर चले गए। MBFM के अंदर भी एरर थे, वो भी चले गए। गाड़ी न्यूट्रल कर रहा हूं, स्टार्ट। जो बेसिक चीजें होती है जिसके ऊपर आप भी काम करोगे, मान के चलो अगर आपकी गाड़ी में अगर बलैरो है, बलैरो के अंदर इमोबिलाइजर और ECM दो मायने रखती हैं चीज़ें, वो दोनों पार्ट स्कैन हो रहे हैं, वो दोनों पार्ट स्कैन होने के बावजूद भी आपका काम नहीं हो रहा, तो मान के चलिए आप सीधा इमोसिंग करो, उसका कम्युनिकेशन होगा, गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे XUV में इमोबिलाइजर नहीं आता, इसके अंदर होता है जी वो जो फुट क्लच के पास MBFM लगा होता है, ये जो इसका पार्ट है, ये एंटीना है, वो MBFM लगा हुआ है, वो देखिए इसके सॉकेट मैंने देखे, इसकी लाइन देखी, सारा कुछ बराबर आ रहा था। तो जस्ट मैंने दो स्टेप सिंपल किए आपके सामने और गाड़ी स्टार्ट। महिंद्रा के अंदर आपको बहुत जरूरी है ये समझना कि जब गाड़ी का आप काम कर रहे हो तो गाड़ी किस हालात में बंद हुई है। इस गाड़ी में अगर आदमी ने 10-12 सेल्फ ज़्यादा लगा दिए, गाड़ी ने अपने आप को लॉक कर लिया, तो यही सिंपल स्टेप आपके अनलॉक करने के। एक्स टूल के अंदर बहुत साधारण और इजी तरीके से ये काम हो रहा है,
ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड, स्टे इन टच, जय हिंद।